हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज, आज के वीडियो में हम बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी के इस पोस्टर की ड्राइंग करने वाले हैं। तो गाइज, इस ड्राइंग को करने के लिए हम यहाँ पर A4 साइज के आइवरी पेपर का यूज करने वाले हैं। एंड गाइज, इसी के साथ इस ड्राइंग को करने के लिए हम यहाँ पर ग्रिड मेथड का यूज करेंगे। तो मैं सबसे पहले इस रेफरेंस फोटो के ऊपर कंप्लीट ग्रिड लाइन्स को क्रिएट कर ले रहा हूँ। तो गाइज, मैं रेफरेंस फोटो के ऊपर ग्रिड लाइन्स को क्रिएट करने के लिए सिंपली ड्राइंग ग्रिड फॉर द आर्टिस्ट एप्लीकेशन को ओपन कर ले रहा हूँ। इसके बाद मैं सिंपली फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करके सिंपली मैं यहाँ पर से हॉरिजॉन्टल को सिलेक्ट कर रहा हूँ। एंड गाइस, मैं इस ड्राइंग को A4 साइज में करने वाला हूं। तो मैं सिंपली यहां पर A4 साइज को सिलेक्ट करके सिंपली ओपन पर क्लिक कर रहा हूं। ओपन पर क्लिक कर लेने के बाद अब मैं सिंपली गैलरी से उसी रेफरेंस फोटो को सिलेक्ट कर लूंगा। गाइज, द रेफरेंस फोटो पर कंप्लीट ग्रिड लाइंस क्रिएट हो चुकी हैं। इसके बाद अब मैं सिंपली इस रेफरेंस फोटो को 3 लाइंस पर क्लिक करके सिंपली गैलरी में सेव कर ले रहा हूँ। गाइज, हमारे रेफरेंस फोटो पर कंप्लीट ग्रिड लाइंस क्रिएट हो चुकी हैं। तो अगर आप लोगों को भी इसी रेफरेंस फोटो को ड्रॉ करना है तो गाइज, इस ग्रिड यूज रेफरेंस फोटो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप लोग सिंपली वहां से डाउनलोड कर लेना। तो गाइज, अगर हमें रेफरेंस फोटो जैसे सेम ग्रिड लाइंस अपनी ड्रॉइंग शीट में भी क्रिएट करना है तो इसके लिए हमें पेपर के चारों तरफ 2 सेमी छोड़ छोड़ के मार्क करना होगा। तो चलो वो पहले कर लेते हैं। रेफरेंस फोटो जैसे सेम ग्रिड लाइंस मैं अपनी ड्राइंग शीट में बनाने के लिए सबसे पहले पेपर के ऊपर की तरफ 2 सेमी छोड़ छोड़ के 28 सेमी तक मार्क कर रहा हूँ। इसके बाद सेम पेपर के ऊपर की तरह नीचे भी वैसे ही मैं 2 सेमी छोड़ छोड़ के 28 सेमी तक मार्क कर रहा हूँ। एंड इसके बाद अब मैं सिंपली पेपर के दोनों तरफ वैसे ही 2 सेमी छोड़ छोड़ के मार्क करूंगा, पर इस बार मैं पेपर के दोनों साइड 2 सेमी छोड़ छोड़ के 20 सेमी तक मार्क कर रहा हूँ। पेपर पर चारों तरफ 2 सेमी छोड़ छोड़ के कंप्लीट मार्क कर लेने के बाद अब मैं सिंपली ये जो पेपर के दोनों साइड मैंने मार्क किया है इन मार्क को मैं आपस में एक लाइन में मैच कर रहा हूँ। इसके बाद यही सेम चीज मैं पेपर के अपोजिट साइड में भी कर ले रहा हूं। पेपर पर दोनों तरफ लाइनिंग भी कंप्लीट कर लेने के बाद अब मैं सिंपली रेफरेंस फोटो में जो मुझे ये नंबर दिख रहे हैं ऐसे ही सेम नंबर मैं अपनी ड्राइंग शीट में भी लिख रहा हूं। गाइज, मैंने रेफरेंस फोटो जैसे कंप्लीट ग्रिड लाइंस अपनी ड्राइंग शीट में भी क्रिएट कर ली है। इसके बाद जैसे कि मैं इस ड्राइंग को अक्षय कुमार सर के इस लेफ्ट आई से स्टार्ट करने वाला हूं, तो ये आई किस बॉक्स में है। एंड गाइज, मैं अपनी ड्राइंग शीट के उसी नंबर के बॉक्स से सिंपली ड्राइंग को स्टार्ट कर दूंगा। तो जैसे कि ऊपर की तरफ 1 2 3 4 और ऊपर से नीचे की तरफ 1 2 3, तो गाइज यही नंबर अब मैं अपनी ड्राइंग शीट में भी काउंट कर ले रहा हूं। तो ऊपर की तरफ 1 2 3 4 और ऊपर से नीचे की तरफ 1 2 3, तो गाइज अब मैं सिंपली इस नंबर के बॉक्स से ड्राइंग को स्टार्ट कर रहा हूं। Thank you.
again. So let's take it.